नमस्कार दोस्तों, एग्रीपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वह कितना है। इसमें पहला ऑप्शन है 287 मिलियन हेक्टेयर, या 328.74 मिलियन हेक्टेयर, या 250 मिलियन हेक्टेयर, या 9/30। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 328.74 मिलियन हेक्टेयर। देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों नेट क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का टोटल क्रॉप एरिया है वह कितना है। इसमें ऑप्शन है जो 141 मिलियन हेक्टेयर, 142 मिलियन हेक्टेयर, 145 मिलियन हेक्टेयर, या 140 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 141 मिलियन हेक्टेयर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज़, यानी कि जो इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितना है। इसमें ऑप्शन है 145%, 140%, 138%, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 138%, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया में रेनफॉल होता है वह कितना होता है सालाना। इसमें ऑप्शन है 1000 mm, 1100 mm, या 1194 mm, या 1200 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1194 mm। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। RBI किस सन में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें ऑप्शन है 1940, 1840, 1935 एंड 1835। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1935। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल KVK इन इंडिया अप टू जनवरी 21, यानी कि जो कि 2021 जनवरी तक इंडिया में कितने KVK थे या हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है 70, 705, या 733, या 720, या 721। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 721, ठीक है दोस्तों। इतने KVK हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ, यानी कि जो 2015 ईयर था वह था सॉइल ईयर था, या वाटर ईयर था, या पोटैटो ईयर था, या फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉइल, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि जो विटामिन शब्द है वह किसने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या बेटसन ने, या TH मॉर्गन ने, या फंक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फंक ने दिया था विटामिन शब्द 1912 में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है BC, सेकेंड है ABE, थर्ड है BCE, या चौथा है ADEK। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ADEK, ठीक है दोस्तों। इसमें वाटर में हो जाएगा आपका, वाटर में हो जाएगा BC, एंड फैट में हो जाएगा आपका कीड़ा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कीड़ा, ठीक है दोस्तों।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप, यानी कि सबसे अच्छा ग्रीन क्रॉप कौन सी है? सन है, बरसिम, सनई या ननावगीर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन है। सन है बहुत ही अच्छी ग्रीन क्रॉप होती है। दोस्तों दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।